नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बेवकूफ़ ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर कैसे अकाउंट बना सकते हैं और कैसे ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, या फिर कैसे ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो में बताऊँगा। तो आज की वीडियो में केवल आपको ये बताऊँगा कि आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं, और आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की ओर और पूरा प्रोसेस सीख लेते हैं। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बेवकूफ़.com या बेवकूफ़ ऐप पर आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं और यहाँ से शॉपिंग आप कैसे कर सकते हैं। जो आपको अगर नहीं पता है कि बेवकूफ़.com या बेवकूफ़ ऐप क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक शॉपिंग एप्लीकेशन है और बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। यहाँ बहुत सारा डिस्काउंट ऑफर चलता रहता है। तो दोस्तों, ये एक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट स्नैपडील की तरीके ही शॉपिंग वेबसाइट या शॉपिंग ऐप है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि यहाँ पर आप फ्री शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, और आप यहां पे अगर कोई भी प्रोडक्ट गलत आपका आ गया है तो आप रिटर्न कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक सीरीज में बनाने वाला हूं, तो इस पूरी सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं केवल आपको यही बताऊंगा कि यहाँ पे आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों, आपको करना क्या है, लिंक मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे वीडियो की टाइटल में जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाता है। वहाँ नीचे जाएंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको बेवकूफ़.com या बेवकूफ़ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना, और उसमें आपको क्या करना है वो आगे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना अपना ऐप। तो यहाँ पर मैंने बेवकूफ़ ऐप ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप मेल हैं या फीमेल या मेन या वुमेन, आपको सेलेक्ट कर लेना किस तरह की आप शॉपिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपका ये ओपन हो जाता है अकाउंट। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिजाइंस ऑफ द डे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डिजाइंस, आप कौन कौन से आज यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, ये सब वगैरह दिखाई दे रहा है। तो ये सब तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थ्री डॉट का ऑप्शन बन के आ रहा है, और अगर आप थ्री डॉट पे क्लिक जैसे ही आप करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है लॉगिन और साइनअप। तो लॉगिन तो दोस्तों वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने पहले से आईडी बना रखी है, तो आपको साइनअप पे क्लिक करना है। तो साइनअप पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप साइनअप पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको फेसबुक से लॉगिन साइनअप होने के लिए बोलेगा, और गूगल से, और या मोबाइल नंबर से। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर से होल्ड कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर डालना मस्ट होता है। आप गूगल से भी कर सकते हैं, पर मोबाइल नंबर से ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे साइनअप विद मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको डालना है फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ मेल आईडी, और यहाँ पे पासवर्ड। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, पासवर्ड जो यहाँ पे डालना है वो आपको क्रिएट वाला पासवर्ड डालना है, ना कि मेल आईडी का। फिर उसके बाद आप मेल हैं या फीमेल, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे फीमेल हैं तो क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद यहाँ पे साइनअप पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये मैं पूरी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सब कुछ फिल कर लिया है। यहाँ पे पहले पे आपको अपना नाम लिख लेना है, फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे मेल आईडी, और यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे मेल है या फीमेल आपको यहाँ पे टाइप कर लेना। तो यहाँ पे मैं मेल हूँ तो मेल पे टाइप कर लिया। और दोस्तों, प्राइवेसी के लिए ये मैंने डिटेल्स हाइड कर रखी है। फिर उसके बाद आपको साइनअप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइनअप पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर आपका लिख के आ गया है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी का ऑप्शन आता है। तो गेट ओटीपी पे जैसे ही आप टाइप कर देंगे, तो यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन यहाँ पे आने लगेगा। यहाँ पे ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ओटीपी यहाँ पे आ चुकी है। ओटीपी मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो ओटीपी यहाँ पे मैंने फिल कर दी। फिर उसके बाद ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन जो आ रहा है, इस पर टाइप कर देना है। वेरीफाई के ऑप्शन पर जैसे ही आप टाइप कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख के आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉगिन आप हो चुके हैं। तो यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे शॉपिंग करने के लिए।
तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट आपको इजीली कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए और कमेंट और लाइक करके हमें इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।